पिछले कुछ टाइम के अंदर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल ने साइड हसल्स और पैसा कमाने के तरीकों में बहुत इजाफा किया है, जिसमें मिड जर्नी ने एक अहम किरदार अदा किया है। बट रिसेंटली मिड जर्नी ने पेड प्लान इशू कर दिया और अब लोगों तक इसकी फ्री एक्सेस नहीं रही। लिहाजा लोग अब नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तलाश में हैं जो मिड जर्नी की तरह काम करता हो। इसी चीज़ को देखते हुए इस वीडियो में ऐसे ही एक AI टूल लियोनार्डो के बारे में बात करेंगे, जो हाल ही में अपडेट किया गया है, जिसमें मिड जर्नी जैसे टूल को कम्पीट करने की एबिलिटीज मौजूद हैं। इसकी मदद से आपको अपनी पिक्चर्स को कमर्शियली इस्तेमाल करने के लिए किसी प्लान की ज़रूरत नहीं पड़ती, और यकीनन मिड जर्नी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन आपका बजट कम है और आप अभी न्यू यूज़र्स हैं तो ये टूल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। मैं इस वीडियो में लियोनार्डो के बेस्ट फीचर्स को एक्सप्लेन करूंगी, जिन्होंने मुझे मिड जर्नी की बजाय इस टूल को यूज़ करने के लिए कन्वेंस किया है, और फिर मैं आपके साथ बिजनेस मॉडल्स के कुछ आइडियाज़ शेयर करूंगी, जिससे आप अच्छी खासी इनकम अर्न कर सकेंगे। सबसे पहले मैं आपको लियोनार्डो तक एक्सेस के बारे में गाइड करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, उनके ऑफिशियल साइट पर जाएं, सबसे ऊपर राइट साइड पर गेट अर्ली एक्सेस पर क्लिक करें और अपना ईमेल ऐड करें। देन आपके सामने थैंक यू पेज ओपन हो जाएगा, जहां आपको ज्वाइन डिस्कॉर्ड का ऑप्शन मिलेगा। इसी आई टूल में आपको डिस्कॉर्ड अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मिड जर्नी में बनाना ज़रूरी होता है। चूंकि लियोनार्डो AI टूल डायरेक्टली वेब पर काम करती है, लिहाजा आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन सेकंड लिंक पर क्लिक करके इन स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं। वाइट लिस्ट में शामिल होने के लिए आपको ये फॉर्म फिल करना होगा, और अगर किसी रीज़न से फॉर्म सबमिट नहीं होता तो आप डायरेक्ट AI लियोनार्डो के वेब पेज पर जाकर लॉन्च ऐप पर क्लिक करें और फिर येस आई एम वाइट लिस्टेड पर क्लिक करें। आप लियोनार्डो के होम पेज पर आ जाएंगे, आप इसे डैशबोर्ड भी कह सकते हैं। यहाँ आप लियोनार्डो की पास्ट क्रिएशन को देख सकेंगे, जो लियोनार्डो को इस्तेमाल करते हुए बनाई गई थी। ये सब हाई क्वालिटी क्रिएटिव इमेजेस हैं और मोस्टली मिड जर्नी जैसे ही हैं। जो ख़ास बात इसके बारे में मुझे पसंद है वो ये है कि तमाम प्रॉम्प्ट डिटेल प्रोवाइड करते हैं, जो कि इसको बनाने के लिए इस्तेमाल की गई थी। यहाँ पर आपके पास बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए ऑप्शन भी मौजूद है, जहाँ पर आप बगैर किसी परेशानी के बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। लियोनार्डो की एक ख़ास बात ये भी है कि डिस्कॉर्ड सर्वर पर उनके FAQ में आपको ये बात मालूम होगी कि आप लियोनार्डो की किसी भी क्रिएटिव इमेज को अपने वर्क में फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। ये एक कम्प्लीट गेम चेंजर टूल है, अगर इसका कंपैरिजन मिड जर्नी से किया जाए, जिसका बेसिक प्लान 8 मंथ का है। जो इमेजेस आपने जनरेट की हैं उनको कमर्शियली अपने वर्क में यूज़ करने के लिए मिड जर्नी का बेसिक प्लान बाय करना पड़ेगा, जबकि लियोनार्डो मुकम्मल तौर पर फ्री टूल है। बहुत से दूसरे इमेज जनरेशन टूल ऐसी हैं जो कि टोकन बेस्ड सिस्टम यूज़ करते हैं, लेकिन उनमें लियोनार्डो सबसे बेहतर है, जो कि एक दिन में 150 टोकन देता है, और ये टोकन डेली अपडेट होते हैं, यानी हर 24 घंटों में आपको 150 इमेजेस मिलती हैं, जो कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आप देख सकते हैं। अगर आप गेम डेवलपर हैं और आप मिड जर्नी जैसा टेक्सचर अपनी इमेज पे क्रिएट करना चाहते हैं, तो लियोनार्डो में ये ऑप्शन भी मौजूद है, जो आपकी ज़रूरत को पूरा करता है। टेक्सचर जनरेशन पर क्लिक करें, देन टॉप लेफ्ट साइड पर अपलोड न्यू ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें। यहाँ पर आप मैक्सिमम 20 MB की डॉट ऑब्जेक्ट फाइल अपलोड कर सकते हैं और प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हुए टेक्सचर तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट AI जनरेशन टूल है, जहां आपको बहुत से फीचर्स देखने को मिलेंगे। सबसे ऊपर बॉक्स दिया हुआ है, जहां पर आप प्रॉम्प्ट की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। इसके लेफ्ट साइड पर आपके पास मजीद कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जो कि मिड जर्नी के फ्री प्लान में नहीं मिलते, लेकिन लियोनार्डो में आप ये बिल्कुल फ्री यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने नंबर ऑफ इमेजेस दिया गया है, जहां आप मैक्सिमम 8 इमेजेस एट अ टाइम क्रिएट करवा सकते हैं, लेकिन लियोनार्डो में 4 इमेजेस पर डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको सेट करके यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इमेज डायमेंशंस का ऑप्शन है, जहां आप अपनी इमेज के लिए साइज़ चूज़ कर सकते हैं। लियोनार्डो में 1024x1024 डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है, ताकि आपको इमेज का रिजल्ट अच्छा मिले और आप इमेज को बआसानी किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूज़ कर सकें। इसके बाद आपके पास गाइडेड स्केल का ऑप्शन है, जहां पर आप अपने प्रॉम्प्ट का वेट सेट कर सकते हैं कि आपका प्रॉम्प्ट किस कदर मजबूत है। आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट करें, जहां आपको बेस्ट रिजल्ट मिल रहा हो। मैं मैक्सिमम 7 तक रिकमेंड करूंगी। नेक्स्ट आपके पास स्टाइलिंग का ऑप्शन है, ये बहुत ही यूज़फुल है।
अगर आप पैटर्न या बैकग्राउंड या ऐसी कोई इमेज क्रिएट करना चाहते हैं तो आप टाइलिंग का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये आपको बिजनेस मॉडल्स में भी मदद कर सकता है। लास्ट में हमारे पास इमेज टू इमेज और इमेज प्रॉम्प्ट के दो ऑप्शंस हैं। इमेज टू इमेज के ऑप्शन में आप अपनी इमेज का इस्तेमाल करते हुए एक नई इमेज तैयार कर सकते हैं, जिसे आप नेक्स्ट ऑप्शन इमेज प्रॉम्प्ट के साथ अपलोड कर सकते हैं। लियोनार्डो ये जानने की पूरी कोशिश करेगा कि जो तस्वीर आपने अपलोड की है उससे सिमिलियर इमेज को किस तरह का प्रॉम्प्ट मिलेगा। इसके फीचर्स बहुत से हेल्पफुल हैं और ये मुझे यकीन दिलाता है कि ये मिडजर्नी से किस कदर इफेक्टिव और डिफरेंट है। आप ऑनलाइन बिजनेस में इसके फीचर्स को इस्तेमाल करके पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। आप इट्से का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्से एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है जहां पर लोग फिजिकल और डिजिटल प्रोडक्ट्स की सेलिंग करते हैं। अगर आपको यकीन है कि आप इट्से पे किस तरह अपने प्रोडक्ट्स की सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं तो यकीन जानिए ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में बताएं जो इट्से जैसे प्लेटफॉर्म पर पैटर्न के साथ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। आइए देखते हैं हम ये कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लियोनार्डो को यूज़ करके टाइलिंग की मदद से पैटर्न बनाने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आप ऊपर बॉक्स में प्रॉम्प्ट टाइप करें, देन टाइलिंग ऑप्शन को ऑन करें। इस प्रॉम्प्ट के साथ आपको बहुत ही हैरतअंगेज पैटर्न मिलते हैं। अब हम उसे अपस्केल करेंगे और देखेंगे कि हम इसे इट्से पर किस तरह सेल कर सकते हैं। सबसे पहले आप प्रिंटिफाई वेबसाइट पर जाएं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। प्रिंटिफाई एक प्रिंट ऑन डिमांड वेबसाइट है जो आपकी डिजिटल इमेजेस को प्रोडक्ट पर प्रिंट करेगी और जिसे आप सेल कर सकते हैं, और ये आपकी कस्टमर्स को प्रोडक्ट पैक करके भेजेगी। अब हम प्रिंटिफाई को कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पिलो सर्च किया है। फर्स्ट प्रोडक्ट पर क्लिक करें और स्टार्ट डिज़ाइन करें। माय डिज़ाइन के ऑप्शन में जाकर इमेज को अपलोड करें। लेफ्ट साइड पर क्रिएट पैटर्न पर क्लिक करें और इमेज की एडजस्टमेंट करें, देन प्रीव्यू पर क्लिक करके प्रोडक्ट का डिज़ाइन देखें। आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसा कि शूज़, कर्टन्स और बैग्स और इसके अलावा बहुत कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं और इट्से पर अपलोड करके अमाउंट अर्न कर सकते हैं। अगर आप पहले ही डिज़ाइन बनाकर इट्से और प्रिंटिफाई पर अपलोड कर रहे हैं तो आपके लिए ये सब बहुत आसान होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और इस वीडियो को देखने के बाद आप मिडजर्नी की बजाय लियोनार्डो यूज़ करना शुरू कर रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस तरह के मज़ीद कंटेंट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।